ये है यहाँ से, ये मतलब आज की क्लास ना सीरियसली अल्टीमेट लेवल की क्लास है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। अल्टीमेट लेवल की क्लास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। आप इतने दिन पढ़ रहे थे थ्योरी पढ़ रहे थे, अब मैं आपको मिसलेनियस में लेके जा रहा हूँ जहाँ से छोटे छोटे टॉपिक है। देखो नगर पालिका नगर निगम को डेटा है, सिर्फ इतना इतना होता है, बस बात खत्म। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है। अब ये फ्री डेटा है, मंडल कौन सा जिला किस मंडल के अधीन है, प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट हुए हैं पहले, आज भी बताते हैं। अभी हरियाणा के अंदर टोटल कितने मंडल है, अभी हरियाणा के अंदर टोटल 6 मंडल है, आपको याद रखना है। एक है आपका अंबाला, दूसरा है रोहतक, तीसरा है हिसार, चौथा गुरुग्राम, पांचवां करनाल और छठवां फरीदाबाद। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये है, किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, ऐसा कौन सा मंडल है एट प्रेजेंट में, डिवीजन जिनको कहा करते हैं इंग्लिश में, ऐसा कौन सा डिवीजन है, कौन सा मंडल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बात आपको याद रखनी है, एट प्रेजेंट में रोहतक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। संख्या वाइज गिन लीजिएगा, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। अब ना मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखे अपने चैनल पे, कल रात को एक सेशन ले रहा था मैं, 1-2 घंटे में मैंने 1000 क्वेश्चन करवाए थे, तब मैं प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा था, तब मैंने नोटिस किया बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था, चरखी दादरी कौन से जिले का पार्ट है बताओ, अच्छा पलवल है कौन से मंडल में आता है, पंचकुला कौन से मंडल में आता है, रेवाड़ी कौन से मंडल में आता है, कैथल कौन से मंडल में आता है, इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो हिसार मंडल में नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार। इसका कोई और इलाज तो है नहीं, इसका तो इतना ही इलाज है कि थोड़ा समझदारी से सूझबूझ से इनको याद करना होगा, तो चलो करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो बात क्या है कि अंबाला के अंदर जो है ना कौन सा आता है, अंबाला है, अंबाला के अंदर खुद अंबाला होगा, रोहतक में खुद रोहतक होगा, हिसार में खुद हिसार होगा, गुरुग्राम में खुद गुरुग्राम होगा, करनाल में करनाल ही होगा और फरीदाबाद में फरीदाबाद होगा। एक तो भड़क वैसे ही खत्म हो जाएगी, अंबाला है सबसे ऊपर चले गए, बीच में आगे रोहतक, आगे हिसार में मैं हूं तो मैं तो ठीक है, आप जिस भी जिले के हैं वो देख लेना, गुरुग्राम है और करनाल है और फरीदाबाद है, ठीक है सर। अब अंबाला के अंदर अंबाला से नीचे वाला पंचकुला भी आएगा, इससे से टूटा हुआ यमुनानगर और इसी से टूटा हुआ कुरुक्षेत्र भी आएगा। याद करना बहुत आसान है, अगर मैप से दिमाग में घुमाने की कोशिश करो, पास पास के ही जिले हैं, अंबाला है, पंचकुला है और यमुनानगर है, ये सारे के सारे एक ही साथ में हैं आपके। रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक जो है ना उसके आजू बाजू के होंगे, ऐसा तो है नहीं कि रोहतक से बिल्कुल ही कहीं ऐसे उल फिजुल जगह पे ही कोई डिवीजन बनाया होगा। रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर है, भिवानी और चरखी दादरी है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चरखी दादरी है क्योंकि ये थोड़ा नया बना हुआ जिला है ना, तो करके इसका सवाल पूछ सकते हैं कि चरखी दादरी बताओ किस मंडल के अंतर्गत है, तो चरखी दादरी आपका रोहतक मंडल के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है। हिसार की बात करता हूं मैं, हिसार के अंदर हिसार पड़ोसी जींद, पड़ोसी फतेहवाद और पड़ोसी सिरसा है, ठीक है, बड़ा ही आसान है, हिसार है तो हिसार तो रहेगा ही, जींद भी रहेगा, फतेहवाद और सिरसा भी है। गुरुग्राम के अंदर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ आएंगे, गुरुग्राम रेवाड़ी महेंद्रगढ़, करनाल में कैथल और पानीपत हो गया है, फरीदाबाद में पलवल और मेवात हो गया है, क्योंकि देखो खुद को तो याद करना ही नहीं है ना, खुद तो है ही है, वो तो कन्फर्म सी बात है, दो और जिले कौन से हैं बस वो याद कर लो। तो इनमें सबसे ज्यादा सवाल इस कैथल का पूछा, न जाने क्यों पूछा है, और इसका तो शायद पूछ है इसलिए क्योंकि सबसे नया जिला है, बात पल्ले पड़ गई होगी, 2-4 बार इनको पढ़ोगे तो आप लोगों को जो है ना यहां से याद कर लेना है डियर, क्या कि अंबाला है, रोहतक है, हिसार है, गुरुग्राम है, करनाल है, ये आपका फरीदाबाद है, ये टोटल आपके जो है ना मंडल है, 6 मंडल है आज के टाइम में, टोटल आपके जो है ना 6 डिविजन है, 6 डिविजन के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा डिविजन कौन सा, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका रोहतक है। रोहतक के अंदर आपका खुद रोहतक तो आएगा ही आएगा, सोनीपत भी आएगा, झज्जर भी आएगा, भिवानी आएगा और चरखी दादरी जो आने वाला है, ठीक है। चलिए सर, तो ये पॉइंट तो आपके हो गए, अब बात करते हैं थोड़ा सा करंट इसी में ही डालने की बात, क्या कि हरियाणा में कितने नए मंडल बनाए गए, 2 नए डिवीजन बनाए गए, ठीक है ना, 2 कौन से बने हैं, एक तो करनाल बना है और दूसरा कौन सा बना है, दूसरा फरीदाबाद बना है, ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है और चीजें नहीं इसके अंदर कोई भी आप लोगों को याद कर लेनी है डियर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आप लोग और हम लोग, और इस वाली स्लाइड को ना बहुत ही ढंग से पढ़ने की कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत ही ढंग से पढ़ने की कोशिश करना है। एक बार लास्ट में फिर रिवाइज करवा दूंगा, पर एक बार इसी स्लाइड को पूरा करना। ये हरियाणा का एक्चुअली प्रशासनिक ढांचा है, लेटेस्ट वाला, ठीक है। हरियाणा के अंदर आज जिले कितने हैं, ठीक है सर 22 है पता है, अभी सर ने बताया डिविजन कितने हैं, 6 है,
उपमंडल पे बात करेंगे। अभी हम लोग ये 74 नहीं है, 74 प्लस 8 हो गए हैं, और 74 के अंदर जब आप लोग 8 जोड़ने की कोशिश करोगे तो 74 के अंदर जो है ना आप लोग जोड़ोगे तो कितने हो गए, 8 आपके 82 हो गए। आज के टाइम में टोटल 82 जो है ना आप लोगों के उपमंडल हो गए। रिसेंट ही अभी आप लोगों को बताएंगे आगे जाके कि ये 8 नए जोड़ दिए गए। मेरे याद है, वैसे मैंने आपको बता दिया है पहले एक दिन ऑलरेडी क्लास के अंदर, शायद आपको भी याद आ रहा होगा कि मैंने ये जरूर करवाए होंगे। अगर नहीं याद आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आपको आगे भी बता दूंगा, पर फिलहाल के लिए संख्या याद कर लो। आपसे ये जरूरी है कि हाल ही में कितने उपमंडल हरियाणा में नए आए हैं, टोटल 8 आए हैं। तहसीलों की बात की जाए तो 94 है, उप तहसील की बात की जाए तो 49 है, ब्लॉक की बात की जाए तो 142 है आपका। ये कई जगह पे 140 लिखा होता है, लेकिन हरियाणा सरकार की ऑफिशियली साइट पे 142 ही लिखा है, तो मैं उसी की ही बात करूंगा। कस्बे लगभग 154 है, टाउन जिनको बोलते हो आप लोग। ग्राम पंचायत 6212, वर्तमान में गाँव है 7356, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार है 6841। अब पूछेगा आपसे एग्जाम में सवाल ये अलग अलग मेंशन करके कि बताइएगा हरियाणा राज्य के अंदर वर्तमान में गांव कितने हैं, या आपसे ये पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार गांव कितने हैं। तो 2011 के अनुसार तो 6841 ये डेटा है, इनको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। मतलब नंबर से नंबर तो आप अपने दिमाग की प्रेजेंस लगाओ और जैसे कर सकते हो याद करो। उसके बाद में जिला परिषद की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो जिला परिषद जो है ना आपके पास में 21 है, और छोड़िएगा नगर पालिका परिषद, ये 22 से हटके अभी मैंने कहा था कितने हो गए, एक बढ़ के और टोटल आपके 23 हो चुके हैं। लोकसभा सीटें 10 है और विधानसभा सीटें तो आपकी 90 ही है, राज्यसभा सीटें आपकी 5 ही है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपके पास में आ गए हैं यहाँ पे। आइए आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ कि ये आंकड़े हैं क्या, कौन कौन से जरूरी है ज्यादा। एक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको याद रहेगा कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा सीटें हरियाणा राज्य के अंदर 90 है, लेकिन ये साल 2026 के अंदर, साल 2026 में कितनी हो जाएगी, 126 होने की संभावना है, जिसके अंदर जो है ना हरियाणा के अंदर ये फोर्थ नंबर का प्रीसीमन होगा आपका, मतलब फोर्थ चेंजेस आएगा आपका। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लोकसभा की बात करता हूं, तो हरियाणा के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं ना एट प्रेजेंट में तो कितनी हैं, 10 है, लेकिन 2026 तक जो है ना ये बदल के कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी आपकी, ये भी ऑलरेडी घोषणा की जा चुकी है। इसके बाद में एक आपका है राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा जो है ना हरियाणा के अंदर उसकी सीटें कितनी हैं, 5 सीटें हैं, और आने वाले टाइम में इसकी बदल के, अभी तक टेंटेटिव है, नोट इसको श्योर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी 7 तक बात की जा रही है। हो सकता है ये सीटों में चेंजेस आ जाए, जरूरी नहीं कि यही हो, लेकिन अभी तक की घोषणाओं के अनुसार यही है। हाल अभी में कितना है आपको जो पेपर देना है, तब आपको ये संख्या जरूर याद रखनी है। अगर मैं बात करूं कि हरियाणा राज्य के अंदर अब जो है ना आपके वो मंडल कितने हो गए हैं, तो आप लोगों को मंडल जो है ना वो याद करने हैं, टोटल कितने हैं, 6 हो गए हैं। सबसे बड़ा वाला कौन सा बताया, सबसे बड़े वाला मैंने आपको बताया है रोहतक बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपका। उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हरियाणा के अंदर उपमंडल जो है ना वो कितने हो गए हैं, तो उपमंडल की बात अगर हमने की है तो पहले तो थे ये कितने, 74 थे, रिसेंटली उसके अंदर 8 और जोड़ दिए गए, तो टोटल आप लोग जो है ना 82 के ऊपर आके रुक गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमने की है नगर पालिका परिषद वगैरह की जो बात है ना वो तो कर ही दी है हम लोगों ने ऑलरेडी, तो ये जरूरी जरूरी याद कर लेना है डियर। ठीक है ना, ठीक है, चलो सर ये पॉइंट भी हमारा हो गया। तहसीलें सच्ची हाँ 94 है, वो भी याद कर लेना आप लोग, उप तहसील जो है ना 49 है आपकी, सही है सर। तो ये एक आपका डेटा था, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद कर लिया है सारा का सारा, इसको भी एक बार आंखों के अंदर छाप लेना, बहुत ज़रूरी है ये आपका। अंबाला, अंबाला के अंदर कौन सा है, अंबाला के अंदर अंबाला ही होगा, पंचकुला ही होगा, यमुनानगर ही होगा, कुरुक्षेत्र भी होगा, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र होगा। रोहतक की बात करूँ तो रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी आपका होगा ही होगा। उसके बाद में जो है ना आप लोगों का हिसार में है, हिसार में जींद, फतेहवाल, सिरसा, गुरुग्राम का गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्र, करनाल, करनाल, कैथल, पानीपत और फरीदाबाद में पलवल और मेवात, या जिसको आप लोग नुह के नाम से जो है ना वो पुकार सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपका